किसी को पूछो, आप दिनेश दिग्गज को पूछो, भाई तूने खाना खा लिया? नहीं भाई साहब, अभी तो प्रोग्राम खत्म ही नहीं हुआ, अभी नहीं खाया, एक इतना लंबा सेंटेंस बोलेगा। ये भुवन मोहिनी PhD है, तो शायद अंग्रेजी में जवाब देना, नो आई डिड नॉट ईट फूड, आई विल ईट नाउ। हम मारवाड़ियों से पूछो, खाना खाया? वाह वाह, चक चक। बताओ, जब किच में काम चल रहा है तो पिच क्यों करे आदमी? कुछ कहने की जरूरत है क्या? कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, बिना कुछ कहे। मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा किसी को गुस्सा आ रहा है और तुम्हें कमरे से बाहर निकालना है, तो तुम कैसे बाहर निकालोगे? तो बोला, मैं कहूंगा मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, कमरे से बाहर निकल जाओ। मैंने कहा ज्यादा गुस्सा आएगा तो? बोले ज्यादा गुस्सा आएगा तो कहेगा आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गेट आउट। हिंदुस्तान में जब गुस्सा एकदम आता है तो आदमी अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी दो ही टाइम बोलता है, तो गुस्सा आता है जब यहां 8:30 के बाद, 8:30 के बाद सारी अंग्रेजी बाहर आती है। हेलो, तू मेरा भाई है, ब्रदर, ब्रदर गाड़ी तेरा ब्रदर चलाएगा, जान दे देगा तेरा भाई तेरे लिए, जान मांग लेना आज ही रे, 100 रुपया है गई। तो अंग्रेजी तब बोलता है जब गुस्सा आता है, ज्यादा गुस्सा आता है तो अंग्रेजी बोलता है। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हें कमरे से बाहर निकालना है तो क्या कहोगे? बोले, अब इतना लंबा सेंटेंस बोलते हैं, हम मारवाड़ी को कहो हम बताते हैं ना। मैंने कहा कमरे से बाहर निकाल तो क्या बोलोगे? मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, कमरे से बाहर निकल जाओ। मैंने कहा ज्यादा गुस्सा आएगा तो? बोले आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गेट आउट। अब हम मारवाड़ियों को कमरे से बाहर निकाला, बोल दिनेश के इनको कमरे से बाहर, कमरे से बाहर निकालो। बताओ इससे ज्यादा की जरूरत है? और इससे इफेक्टिव कोई भाषा हो सकती है? इतना लंबा सेंटेंस बोलने की जरूरत क्या? इसके बाद तो उसका बाप भी भाग जाएगा, जो मर गया वो भी भाग जाएगा। अब भुवन मोहिनी तुम इतना वर्णन कर रही थी, ये वो खूबसूरती का मुक्तक मुक्तक सुना रही थी, हमारे मारवाड़ में कोई खूबसूरत तो गीत थोड़ी सुनाता है, बिना किसी भाषा के एक्सप्रेशन में बता देता है कि अगला कितना खूबसूरत है। ये हमारी भाषा, मुझे बताओ एक्सीडेंट में वो मजा है जो बचीड़ में है? आ सकता है? एक्सीडेंट में कोई मजा ही नहीं है, बचीड़ बचीड़ में लगता है कि कुछ हुआ है। पर एक्सीडेंट का जब आदमी वर्णन भी करता है तो इतना कमाल का, मैं पढ़ियो दम मारो झगड़े हुए, मैं उन्हें दे दे। अब दे, ये कोई मजा ला सकता है? दे साला पलंग का क्या मजा जो डोलिए में है, मुझे बताओ आप। मजा ही आ ही नहीं सकता, ये तो हमारे ही शब्द है, ये हम ही दे सकते हैं, हमारे ही शब्द, दुनिया में और किसी के पास ये शब्द? अरे मुक्का, हमारे बचपन में जो बच्चों का झगड़ा होता है, मुक्के में बदम नहीं है, डुक्को डुक्को। अब देखो ये डुक्के का जो आनंद है, ये दुनिया में किसी भाषा के पास नहीं है। हमारे मोहल्ले में एक छोरे ने किसी के घर का कांच तोड़ दिया, तो जिसके घर का कांच टूटा उस घर का मालिक आया और छोरे के बाप को पकड़ा, ए इसने मेरा कांच तोड़ दिया, और तो गैल्लो है। अब देखो बताओ, गैल्लो, कालो, डोपो, डपोल, वेंडियो, बगनो, बगनो, ये किसी स्टूपिड इडियट में मजा आ सकता है? मुझे बताओ, बिल्कुल ना। हमारे पास इतने प्रकार है, दुनिया में कहीं आ ही नहीं सकता ये मजा, ही हमारे पास है, दुनिया में कहीं मजा नहीं आ सकता। वाह वाह वाह, कांच तोड़ दिया तो जिसका कांच टूटा था वो आया, बोले आपके बच्चे ने कांच तोड़ दिया, बोले वो तो गेलो है, तो बोले खुद के घर के क्यों नहीं तोड़ता, बोले इतो गेलो थोड़ी है। अरे क्या बात है, ये हमारा, और हमारे मारवाड़ का आदमी, उतनी में आपको कितना समझ में आएगा, मारवाड़ का आदमी मतलब आप देखो वो बात भी करता है, पढ़ा लिखा हो ना हो लेकिन इतना इंटेलिजेंट होता है जिसकी हद नहीं, ये हमारे भाई कर सकता है। हमारे वहां भी दो जोधपुर में दो जने लड़ रहे थे और सामने हमारे एक बादशाह बैठे बैठे निर्लिप्त भाव से निर्निमेश, नया शब्द सीख, निर्निमेश, निर्निमेश का मतलब होता है एकटक देखना, तो निर्निमेश देख रहे थे और दोनों आपस में लड़, आप देखो वर्ल्ड पॉलिटिक्स,
मारवाड़ का आदमी जो पढ़ा लिखा न भी हो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे कितनी पकड़ रखता है, एक शब्द में बता दिया उस आदमी ने कि क्या पकड़ है उस आदमी की। दोनों लड़ रहे, दूसरा बात मत कर, ठोक दूला मैं, ठोक दूला मर जाना, मर जाना, आगे मत बढ़ जाए, आगे मत बढ़ जाए। मैंने बादशाह को बोला, बादशाह कई उरियो है कि नहीं रे, एक अमरीका है दूजा नॉर्थ कोरियो है, खत्म। एक लाइन में समझा दिया कि दोनों खाली आवाज करेंगे, इसके ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। वाह, ये होता है ज्ञान। आप आने मारवाड़ी में हम क्या बोलते हैं, कोई लेटता है बुजुर्ग के, पौडिया है, पौडिया है। तो हमारे वहां कोई बुजुर्ग काका सा लेटे हुए थे, मैं कैसा पौडिया हो, अरे पौटता तो जरे जरे थारे काकी सा जिंदा हवार तो पड़िया। अब तो पढ़िया। ये सौंदर्य हमारा, हमारे शब्दों का मजा ऐसा। ये मेरे किस रंग की पैंट है, काली, काला, कालो कट। काले में क्या मजा है, कालो कट, कालो कट। विक्रम सिंह जी का पजामा कैसा है, सफेद, सफेद जक। अरे वाह, ये भुवन मोहन का ब्लाउज किस कलर का है, लाल, लाल बम। भाभी जी की साड़ी कौन सी कलर की है, पीली, पीली पट। पर खाने में नमक ज्यादा पड़ जाए तो खा रो जहर, जो चक्के आए हो। मैं तो हुई कमाल, तेरा चेहरा देख अश्लील आदमी, तेरा चेहरा मतलब तू कभी देखता है कांच में। एक बार आया बोले भाई साहब मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया, तो मैंने कहा तू क्या चाहता है, बोले बदला। मेरे से तो पंगे लेना मत, तू जानता है माइक पे कौन खड़ा है, मारवाड़ का बेटा साला, ऐसा जवाब दूंगा तो फिर जिंदगी भर पछताएगा कि बोला तो बोला क्यों। हाँ तू पानी पी, काजू खा, अगर बच गए हो तो। काजू बहुत खराब असर करता है, भागना पड़ेगा तेरे को सीधा, ज्यादा खा लिया तो मुश्किल काम है। क्योंकि देखिए हमारी भाषा जो है ना, हमारी भाषा का सौंदर्य इतना बड़ा। जैसे मैं सिरोही रहता था, अब मैं सचमुच, ये सच्ची घटना हुक्म, एकदम सच्ची घटना, ये हास्य का विषय नहीं है। आप कहेंगे यार किस विषय में बात कर रहा है, सच्ची घटना, लेकिन इसमें हंसी आती है। मैं हॉस्पिटल में खड़ा था, तो हमारे वहां आया तो डॉक्टर कोई बेचारा बाहर का था, तो आया, मतलब मैं हंसते हंसते पागल हो गया। वो आया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, अच्छा दस्तों लागे सर। मैं पीछे खड़ा, मैंने कहा क्या विषय शुरू कर दिया इसने। लेकिन आप भाषा का सौंदर्य देखो, डॉक्टर के बजाय अच्छा कितनी लगती है, हमेशा करूं के गणूं। क्या सच्ची घटना है ये। अरे भाई मैं दवाई उस हिसाब से दूंगा, मुझे दवाई देने के लिए चाहिए तो मानना तो पड़ेगा ना, कैसे तो कितने, मतलब कब कब आती है दस्ते, हमेशा के दस्तों ने कटे लेवा जानू पड़ेगा, जरे जैसे प्रिय आवे के। अब ये मासूमियत देखो आप, लेवा जानू पड़ेगा। सिरोही में हमारे बहुत कमाल का, सिरोही मेरा ननिहाल है, मेरी माँ सिरोही की, मेरे पिता जोधपुर के, तो मैं दोनों ही धरती का बहुत बड़ा एहसान मंद हूँ। और निम्बाड़ा, मावली, बालोतरा, रायपुर, मारवाड़, यहाँ मैंने पढ़ाई की चारों तरफ, तो बड़ा एहसान मंद हूँ। इन जगहों से मेरे कैरेक्टर मुझे मिले, जो मिलते हैं उसका मजा आ जाता है। हमारे वहाँ एक डॉक्टर साहब थे कामरा, आँख के डॉक्टर थे, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कामरा। हमारे वहाँ क्या था कि आप अपन जैसे थोड़ा स्थानीय भाषा में काम को कौम बोलते हैं, नाम को नोम बोलते हैं, कई नोम है, ऐसी भाषा में सौंदर्य होता है। तो वो एक कोई महिला अस्पताल में आई, उसको बेचारी को आंख दिखा नहीं होगी, तो एक खड़े थे कोई भाई साहब जो अस्पताल में काम करते होंगे, बोले कामरा डॉक्टर कटे है। तो कंपाउंडर के, मैं कोई वगर कामरा हो क्या कि नहीं, मैं आंखिया वाला था, मैं पता किया आंधा। ये देखिए ये हमारे यहां का सौंदर्य, ये अद्भुत है, ये दुनिया में कहीं पहले। गाली भी ऐसे देते हैं हमारे यहां का आदमी के सामने वाले को पता ही नहीं चले, ऐसी सरका देंगे गाली भुवन मोहिनी इस तरह से कि मालूम ही नहीं पड़े। एक लड़का वो होमवर्क करके नहीं लाया, आज मेरे क्या जोधपुर के लोग मिल गए तो मुझे वही सब याद आ रहा है, दूसरा कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तेरे को याद आ रहा तो मुझे याद दिला देना कुछ। तो अरे खाना नहीं खाना क्या, इन लोगों को टाइम देखो यार।
चलने दो, सचमुच सुनना चाहते हो? चलो फिर ठीक है, अपने लोग मिले। हाँ हुकुम, बिल्कुल। आप कहो जरा तो मैं टाल भी नहीं सकूं, टालना भी नहीं चाहिए बुजुर्गों को। मैं इतना यकीन मानिए, आप लोगों को हंसते हुए देखता हूँ, खासतौर पर बुजुर्गों को, तो मेरी एक कविता की पंक्ति मुझे याद आती है कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवार और दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। तो हम लोग तो जो कुछ बने, आप लोगों के चरण छू के बने और चरण खा के भी बने। ये हिंदी की मानता है, अंग का पर्यायवाची भी उसकी उपयोगिता के हिसाब से बदल जाता है। सही बता रहा हूं, मतलब किसी भी आप शब्द को उठाइए, ये हिंदी की मानता, देखो आप कि शब्दों के पर्यायवाची भी उपयोगिता के हिसाब से हो, ठीक है ना। जैसे अब ये यूं करके बैठा है तो टांग, जूता पहन लेगा तो पांव, प्रभु के है तो पद, क्या बात प्रभु के है तो पद, चलेंगे तो कदम है, चलेंगे तो पदम, दौड़ेंगे तो पैर, और बाप मारेगा तो लात। क्या बात है, क्या शिल्प है, क्या भाई, भाई साहब क्या बात है, क्या ये उपयोगिता। देखिए मैं तो ज्ञानी हो गया एकदम से, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया आज तो, क्या बात है भाई साहब। इस अब पता चला सबसे ज्यादा पैसे क्यों लेता हूं। देश के सबसे महंगे कवि है तो साले रो रहे हैं, शर्म आती है तुम्हें, रो रहे हो तुम, है तो है, छाती ठोक के कहते हैं हां मैं लेता हूं साहब, मैं लेता हूं, मैं 5 लाख 7 लाख रुपया 10 लाख रुपया मैं लेता हूं, कविता पढ़ने का इतना पैसा लेता हूं। क्यों नहीं ले, जब कम कपड़े पहन के अश्लील नृत्य करने वालों को लाखों रुपए मिल सकते हैं तो कलम उठाने वालों को क्यों नहीं मिलते? वाह जिंदाबाद भाई साहब, वाह वाह वाह। ये सीटी मेरे चाचा की तरह थी, पूरी बार ही नहीं आई, असल में बजाई तो इसने भुवन मोहिनी के वक्त होगी, निकली अब। तो मैं क्या कह रहा था, कहां से कहां घूम के आ गया मैं, तुझे भी याद नहीं है? चरण चरण, उसके पहले कुछ और कह रहा था मैं, वो तो बीच में आ गया था। हाँ आप गाली, ये देखो ये है, भुवन मोहिनी को याद है तुझे, तू तेरा ध्यान कहाँ है, तेरा इसी में ध्यान है कि लोग ज्यादा पैसे लेते हैं, अपनी औकात बढ़ा तू। गाली, लड़के ने होमवर्क नहीं किया, होमवर्क नहीं किया तो मास्टर ने कहा होमवर्क कहाँ है, सा आपने पिताजी रात्र हमारे सपने में आया, मैं मन किया कि होमवर्क मत ले जाइए, मैं हमारे बेटा ने समझा दू। मास्टर के मुझे ही समझा रहा है ये, बोले बेटा मेरे पिताजी मेरे भी सपने में आए और मुझे बोला अगर होमवर्क करके नहीं लावे तो देना दो। अब जो मारवाड़ का छोरा उसने जो गाली सरकाई है साहब, मास्टर को भी पता नहीं चला। अरे ऐसा आपने सपना में कई बात करे, मारे सपना में कई बात करे, बहुत कमीन है साहब आप रो बाप। वाह वाह बहुत कमीन, ये हम ही कर सकते हैं, बहुत कमीन है, ये कोई कर ही नहीं सकता और ये मैं ही कर सकता हूं। ये सारा कोई ये हमारा कमाल है, ये अद्भुत है, ये हमारे शब्दों का सौंदर्य है जो दुनिया में कहीं आ ही नहीं सकता। ये मजा अलग है।